यो 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 गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रॉक्सर और आपके लिए नया वीडियो लेकर हाजिर हूं गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ई स्पोर्ट्स लवर के लिए। अगर आप ई स्पोर्ट्स को ऐसा करियर देखते हो तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आपका ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज आप जानते होंगे कि अभी दो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर चल रही है। पहला तो पेन इशू जो आप सबको हो रहा है पूरे इंडियन सर्वर में, और दूसरा टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का डिस्क्वालीफाई हो जाना। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले गरीना एक स्टेटमेंट जारी की थी, जहां पर उन्होंने बहुत सारी टीम्स को डिस्क्वालीफाई किया था, जिनमें से टोटल गेमिंग एक थी। जिसके बाद टोटल गेमिंग के फैंस, जिनमें से मैं खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, और कोई कोई लोग टोटल गेमिंग को लेकर हेट दे रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स ने उनके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि इतनी बड़ी FFCS खेलने वाली टीम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। जिसका जवाब देते हुए आज फौजी ने एक दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ पर कि उन्होंने दो टीम से खेला था। पर उसका रीज़न भी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया कि हम तो जो उनकी जो पहली टीम थी उसमें से खेले तो इतना पेन इशू हो रहा था, इतना पेन इशू हो रहा था, उनके बंदे बैक हो जा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वो कुछ 400 पोजिशन पर आए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने सेकेंड टीम बनाई, और उसके बाद जब उनका पिन प्रॉपर चला तो वो उसी टीम से उन्हीं मेंबर्स के साथ और 23rd पोजिशन पर आए और क्वालिफाई करा। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था ये कि हाँ हमने तो दो टीम से खेला। पर उसका रीज़न क्या था गाइस? उसका रीज़न था हमारी गरीना, हमारी गेम की मैनेजमेंट टीम और उनका स्टाफ। जो चलिए चलो रैंक गेम में तो समझ में आता है, अब रैंक गेम में ऐसा पेनिस होगा तो फिर हम तो मैनेज कर लेंगे, पर जो इस टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर भी ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा गाइस? अब बताओ, गरीना फ्री फायर इतना बड़ा गेम है, 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स है इस गेम्स के, आप एक थोड़ा सा पेन इशू नहीं संभाल पा रहे हैं टूर्नामेंट को लेके। चलो थोड़ा सा वेदर ख़राब हो गई, रैंक का समझ में आ रहा है, पर आप टूर्नामेंट भी ऐसा होगा तो फिर हम कैसे खेलेंगे? और अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो फिर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे फौजी अजीम भाई ने बहुत सही बात बताई कि अगर आप एक ई स्पोर्ट्स को एज अ करियर चूज़ करते हो, एक आप एक बच्चे हो जैसा कि 10-15 साल के, और एक तो टूर्नामेंट्स आते बहुत कम है, ऑफिशियल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आते बहुत कम है, 4-5 महीने में एक आएंगे, जैसे अभी FFCO आया था, फ्री फायर सिटी ओपन। उसके बाद आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करोगे और पिन का इशू के कारण आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो बहुत बुरा लगता है, और आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। आप समझे, आपने 3-4 महीने तक वेट किया, आपने प्रैक्टिस की, पर पिन इशू के कारण आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिससे क्या होता है लोगों का मन उतर जाता है कि नहीं यार ये हमारे बस का नहीं है, एक तो यहाँ की मैनेजमेंट ऐसी है, पिन इशू ऐसा है, तो हम जब खेलने का हमें चांस ही नहीं मिलता तो फिर हम प्रूफ कैसे करें और ई स्पोर्ट्स को ऐसा करियर कैसे देखें, फिर ऐसे कैसे चलेगा गाइस? बताओ, गरीना इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे, और ऊपर से उन्होंने सिर्फ टोटल गेमिंग के 2 मेंबर्स को कैच किया था कि दूसरे अकाउंट से खेले, जबकि उनके बाकी 2 मेंबर्स माफी और डिलीट उन्होंने भी खेला था, पर उन्हें कैसे नहीं पकड़ा गया? और टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स तो के जो फौजी थे उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक लॉटरी टीम नहीं है जो 2-2 टीम से खेले, और भी टीम्स हैं, पर वो उनका नाम रिवील नहीं करना चाहते, उनकी अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी करके जो स्पोर्ट्समैनशिप है उन्होंने दिखाई। और उनके इस स्टेटमेंट के बाद टीम केओस को हमने देखा, टेक्निकल के की टीम, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 2 टीम से खेलने के बाद। तो आप अब जाग रहे हैं, जब वो इतना बवाल हो गया आप अब जाग रहे हैं, और ऊपर से अभी फ्री फायर के लिए बहुत ही क्रूशल टाइम है, खास करके इंडिया में, क्योंकि हम सबको पता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वापस आ चुका है, पबजी इंडिया में वापस आ रहा है, जिससे बहुत सारे प्लेयर्स इसी फैक्ट से गुस्सा होकर पबजी में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। तो गरीना, आपको अपनी मैनेजमेंट टीम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आप ऐसा करोगे तो फिर बंदे ऐसे ही शिफ्ट होते रहेंगे, आपको नुकसान होते रहेगा और आपकी रेटिंग्स भी और डाउन होते रहेंगी। तो बस गाइस, इतना ही था कहने के लिए। गरीना, मैं जानता हूँ मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं, गरीना रख जाएगा नहीं, पर मैं आपके सामने जो फैक्ट है, जो सच्चाई, वो सामने रखना चाहता था। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।